तो गाइज अभी मैं ना घर की तरफ जा रहा था, तो हमें कुछ रैंडम बंदे मिले। जो भाई बंदे बहुत अच्छे हैं। क्या नाम भैया आपका? अमित अमित भैया। और आपका? रोहित। रोहित। तो ये भाई अभी मैं जा रहा था घर की तरफ, तो उन्होंने कहा भाई कि आप स्टंट स्टंट मारते हो, वीडियो मतलब ब्लॉग व्लॉग बना। उनको लगा कि मैं ब्लॉगिंग व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने फिर कहा भाई मैंने कुछ वीडियो शूट करनी है। मैं कोई ना भाई करो यार, हमने चला के देखनी है। मैं कहा भाई चला लो, कोई बात नहीं, बट आराम से चलाओ, सेफ्टी अपनी भी रखो, हमारी सेफ्टी रखो। तो भाई कहता हमने फ़ोटो वीडियो शूट करनी है। मैं कर लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, क्योंकि हम भी पहले थे यार नॉर्मल बाइक पे। तो गाइस चलो निकलते हैं राइड के लिए। भाई है इसकी दुकान पे जरूर विजिट करना, देख रहे हो जय श्री पानीपुरी की। पानीपुरी भाई भाई की दुकान पे जरूर विजिट करना भाई, क्या गोलगप्पे बनाता है, मज़ा आ जाता है खा के। स्टेशन जो है अपनी बदन सिटी में, और मेरा नाम लोगे तो आपको 10 के 4, वैसे 10 के 3 है, आपको 10 के 4 जरूर मिलेंगे। तो गाइस मैं तुम्हें अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो अभी मेरे साथ हो चुकी है। विली अभी भाई विली की डिमांड आ रही है। तभी भाई हमारा विली देख के बड़ा खुश हो गया, भाई कहता है विली मारो। तो गाइस भाई को हमने विली दिखाई अपनी, सोच रहा हूँ एक और विली मारते, बच्चे के रिएक्शंस लेते हैं। तो गाइस यार हमारे ऐसे दोस्त हैं अजीब भाई साहब, क्या धुआं मार रही गाड़ी भाई, सर्विस करा लो, बहुत दिक्कत दे रही है हमें भी आपको भी। तो गाइस जब भी मैं यार व्लॉग स्टार्टता हूँ कोई ना कोई पंगा हो जाता है, कोई ना कोई कॉल कर ही देता है। गाइस क्या खतरनाक कट्स बजे यार, स्वाद आ गया भाई। जिंदगी स्वाद तभी आता जब हम कुछ रिक्स लें, ऐसे नहीं भाई नॉर्मल राइड करने से कुछ मजा नहीं आता इतने जब तक हम जिंदगी में रिक्स ना लें, और रिक्स के बिना यार मज़ा ही नहीं आता। तो गाइस ट्रैफिक लग गया यार, ये क्या हो गया देते ना है। क्या एग्जॉस्ट वॉइस आते ही मजा आया था, जब एग्जॉस्ट होगा फिर क्या आया। भाई बस नाका ना लगा, और तो कोई बात ही नहीं, और किसी चीज का डर ही नहीं हमें, बस नाके का डर होता है और किसी चीज का डर ही नहीं हमें। भाई हमें राइडर भाई यार जब भी मैं यार ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देता है। देखो जब मैं ब्लॉगिंग ना करता हूँ घर पे आराम से बैठ लेता हूँ, किसी कॉल कॉल नहीं आते, जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते तो कॉल पे कॉल करते रहते हैं, ब्लॉग स्टॉप करना पड़ता है।
हेलो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं साउथ सिटी रोड पे और हमारे राइडर भाई पता नहीं कहाँ रह गए। लगता मैं बहुत स्पीड में आया हूँ इसलिए मुझे जल्दी लग रहा है। और इस रोड पे क्या बिजली लगेगी, मज़ा आ जाएगा। आई विल ट्राई। क्या गाइस, क्या बिली बस्ती इस रोड पे। एक और भाई अपने लगता है भाई बैन हो गए। थैंक यू। गाइस देख लो, अभी मैं स्टंट मारा तो पुलिस बुला लिया। पुलिस इस साइड जा रही है, हम रॉन्ग साइड से निकलेंगे। चेक करो गाइस, ये रही पुलिस और भागते हुए भाई। भाग 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 सनी भाग। बहुत ढीला पड़ रहा है, लगता है मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, न्यू हेलमेट लेना पड़ेगा और बेस्ट क्वालिटी में लेना पड़ेगा। क्योंकि ये हेलमेट मतलब डुप्लीकेट ही है, मतलब काम चलाओ एक तरह का और डॉट्स का है। और मैं सोच रहा हूँ उसका वेगा के देखते हैं, ब्लैक में बिल्कुल जेट ब्लैक। और वो जेट ब्लैक भाई क्या शाइनिंग देता है और क्या ही लगता है माफिया टाइपिक। तो वही देखते हैं अभी, थोड़ा हार्ड टाइट है। आप तो समझते हो गाइस हार्ड टाइट का मतलब। मिलते हैं फिर, बता रहा था आपको, मैं बता रहा था कि जिसमें कि आप कईयों में देखा कि बिजली मारने के लिए कोई स्विच लगा होता था, इसमें ऑटोमेटिक दे रखा है। यहाँ पे मोड बटन दबाने के बाद, उसके बाद तीन चार ऑप्शन के बाद अपना आता है वो रोड एंड सुपर मोड। तो इसको सुपर मोड तब आएगा रोड, तो उसको प्रेस दबा के रखना है, उसके बाद अपना सुपर मोड लग जाएगा। उसके बाद हम चाहे बिजली मारे, बर्नआउट मारे, स्टंट्स कुछ भी अराउंड 360 भी मारे, आराम से बच जाएगा। को बताने आ रहा था, जैसे कि आपको पता ही है, जब बंदे के पास पैसा आजकल ना भाई मतलब से मतलब रखने लगा भाई, उसको जब काम होगा तभी आपको याद करेगा, वैसे आपको याद नहीं करेगा। ये भाई मेरी की नहीं, सबकी राय है। और आपको भी पता होगा, आपके साथ भी बीता होगा, मेरे साथ तो बीत रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस चेक करो भाई, हमारे भाई शायद आई थिंक नहीं अपने भाई अकेले ही। क्या लग रहे हैं भाई, चेक कर गाइस। कैसे हो तो अपने सनी भाई, आ चुके भाई, बहुत वेट कराया मुझे। क्या हाल है भाई, तो गाइस चेक करो भाई, अपने भाई राइडर भाई साहब आ चुके हैं। तो क्या लग रही वर्जन 4, आपका क्या नाम भाई? क्या बात है, ब्लॉगिंग भी करते साथ था? अच्छा ओनली राइड। और आपका भाई? अरे आपका नाम पास क्या था, तेरा नाम क्या था? मुझे कृष्णा, ठीक है। इवल बोल, इवल राइडर, ओके। तभी तो फास्टेस्ट रहता हूं हमेशा। हां सही है भाई, किस स्पीड में चलाते भाई। और कोई भी आ रहा क्या? कर दिया विली, उस पे लगा दिया, सुपर मोटो पे लगा दिया है। और ये सनी भाई क्या विली मारेंगे देखना गाइस। हवा कम है। ओह क्या बात है भाई, सनी भाई क्या विली मारते, चेक करना गाइस। ओहो क्या बात है, मतलब नई नई बाइकों का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है ना। KTM R15 वर्जन 3, R15 वर्जन 4, R15 वर्जन 3। तो ये सारे भाई अपने राइडर भाई हैं, तो हम निकल रहे हैं इसको टेंपल पता नहीं कुछ है वहाँ के लिए। तो गाइस देख रहे हो गाइस, यहाँ पे चलान हो रहे हैं और बहुत तगड़े नाके लग रखे हैं। तो गाइस ये एंट्री है और यहाँ से हम अभी एंटर करेंगे। तो ये कौन टेंपल, हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं भाई, घंटी है नहीं। अच्छा अच्छा
उतारता, हमें लगा भाई टाइम वो घंटी है, टूट भी सिस्टम है।